फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, लॉ सब्जेक्ट के लिए हमने जो कप ऑफ टी सीरीज स्टार्ट की है, ये उसका नेक्स्ट टॉपिक है। जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें ये सीरीज मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये 30 मिनट्स की सीरीज है फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, मॉर्निंग में आप उठते हैं, टी या कॉफी कुछ भी लेते हैं, तो बस उसी के साथ ही आपको 30 मिनट्स डेली मुझे सुनना है। सभी सोचते हैं कि लॉ एग्जाम टाइम में पढ़ेंगे तो आपके लिए टफ हो जाएगा फ्रेंड्स, इसीलिए उसे कप ऑफ टी सीरीज के साथ आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी को, यदि मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि इससे आपको मेरे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, लेटेस्ट वीडियोस हैं, वो नोटिफिकेशन से आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट करेंगे एमओए का कैपिटल क्लॉज एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ठीक है। और इसी के साथ ही हम सेक्शन 61 करेंगे ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल का, ठीक है। देखिए, एमओए में जो कैपिटल क्लॉज होता है ना, उसके अंदर आपकी कैपिटल क्या रहेगी वो सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए, ओके। अच्छा, अगर अब वो सारा तो बहुत नॉर्मल सा है कि उसमें मेंशन होना चाहिए, ठीक है। यदि अगर हमें उसी कैपिटल में यदि हमें ऑल्ट्रेशन कराना है तो सेक्शन 61 अप्लाई होगा। और ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल की के केसेस में क्या होगा, देखिए, यदि हमें ऑल्ट्रेशन कराना है, ऑल्ट्रेशन किसका, कैपिटल का, यदि फ्रेंड आप मेरी ये वाली सीरीज आज देख रहे हैं तो आप इसके पहले क्या कीजिए, आप मेरा जो पहले मैंने एमओए कराया है पहले वो जाके आप देखेंगे तो आपको ये कंटिन्यूटी में रहेगा, अदरवाइज आपको एकदम बीच में एक क्लॉज समझ नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। नाउ यदि हमें कैपिटल में ऑल्ट्रेशन कराना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए, हमें पहले एओए से परमिशन मिलनी चाहिए, एओए में लिखा हुआ होना चाहिए, हमें एओए परमिट करना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा ऑल्ट्रेशन होगा कैपिटल का। और सेकंड, जो हमारी जनरल मीटिंग होती है ना, उसका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन होगी तभी हमारा कैपिटल में ऑल्ट्रेशन हो पाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब कैपिटल ऑल्ट्रेशन अगर यदि हम हो रहा है तो इसके लिए क्या होता है, जैसे 5 तरीके से कैपिटल ऑल्टर हो सकती है। आप सोचेंगे कौन कौन से तरीके हैं 5 तरीके, देखिए, यदि क्या होता है, क्या होता है, या तो हमें कैपिटल को बढ़ाना हो, ठीक है, तो यदि हमें कैपिटल में इंक्रीज करना हो, ठीक है, तो हमारी कैपिटल ऑल्टर हो रही है, नेचुरल है, आपको समझ आ ही रहा होगा। यदि हमें कैपिटल कंसोलिडेट करनी हो, कंसोलिडेशन ऑफ कैपिटल, ठीक है, यदि कैपिटल का कन्वर्जन ही करना हो, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल, या फिर हमें कैपिटल में डिवीजन करना हो, या फिर कैंसिलेशन करना हो, कैंसिलेशन ऑफ कैपिटल, ठीक है फ्रेंड्स, समझ आया मैंने क्या बताया, कि यदि हमें कैपिटल में ऑल्ट्रेशन करना है, यदि हमें कैपिटल में ऑल्ट्रेशन करना है तो इसके 2 टाइप्स होंगे, यदि या तो हमें एओए परमिट कर रहा हो या फिर जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होके। अब ये कैपिटल में ऑल्ट्रेशन 5 तरीके से हो सकता है, कौन कौन से तरीके हैं, यदि कैपिटल में या तो फिर इंक्रीमेंट हो रहा हो, या फिर कैपिटल का कंसोलिडेशन हो रहा हो, या फिर कन्वर्जन हो रहा हो कैपिटल का, या फिर कैपिटल का डिवीजन हो रहा हो, या फिर कैंसिलेशन हो रहा हो। अब मैं आपको उसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि क्या क्या है। यदि जैसे कैपिटल में इंक्रीजमेंट होना, यानी कि यदि हम नई कैपिटल इशू कर रहे हैं तो इसका मतलब कैपिटल में इंक्रीमेंट हो सकता है, ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ कैपिटल का क्या एग्जांपल हो सकता है, कि यदि जैसे 2 रुपए के 5 शेयर है, ठीक है, उसको 10 रुपए का 1 शेयर बनाना, तो ये कैपिटल में कंसोलिडेशन हो गया। 2 रुपए के 5 शेयर हैं, ठीक है, जैसे 2 रुपए के 5 शेयर है ना, यदि हमें उन 5 शेयर को 10 रुपए का 1 शेयर बनाना है, कंसोलिडेशन हो गया, ठीक है। कन्वर्जन में यदि प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना हो, इक्विटी प्रेफरेंस में कन्वर्ट नहीं होता है कभी भी, प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट होता है। यदि हमें डिवीजन करना हो, डिवीजन का क्या मतलब हुआ, कि 10 रुपए वाले शेयर है, 10 रुपए वाले जो शेयर है वो 1-1 शेयर है, ठीक है, तो 10 रुपए वाला 1 शेयर है उसको हमें 1-1 रुपए वाले 10 शेयर बनाने हैं, तो वो डिवीजन हो गया, ठीक है। जैसे 10 रुपए का जो शेयर है, 10 रुपए का 1 शेयर है, ठीक है, हमें उसे क्या करना है, 1-1 रुपए वाले कितने शेयर बनाने, 10 शेयर बनाने, 1-1 रुपए वाले,
एक एक रुपए वाले 10 शेयर बनाने। और कैंसिलेशन कब होता है, कैंसिलेशन यदि हम बाय बैक कर रहे हैं तो हमारा जनरली कैंसिलेशन वाली कंडीशन क्रिएट होती है। तो इसी के साथ ही हमारा ये जो कैपिटल क्लॉज वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हुआ। अच्छा, अब इसके साथ नेक्स्ट मैं आपको पढ़ा रही हूं एमओए का है लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज में देखिए क्या बताया गया है फ्रेंड्स, यदि अनलिमिटेड है, ठीक है, अनलिमिटेड कंपनी यदि उसको लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, या तो ये चीज हो रही है लिमिटेड कंपनी में, ठीक है, या फिर लिमिटेड कंपनी की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही हो, या फिर ये है, ठीक है। अच्छा, अब अनलिमिटेड कंपनी यदि लिमिटेड कंपनी में जाती है, अनलिमिटेड वाली जो कंपनी है वो लिमिटेड कंपनी में जाती है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में एक तो जनरल मीटिंग का और स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। सॉरी, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये रेजोल्यूशन बहुत अच्छे से याद करने हैं, आप बार बार करेंगे, आप एक जगह लिख भी लीजिए। मैं तो इसी तरह लिखती थी, मैंने क्या किया था एग्जाम टाइम में, मैं आपको बताती हूँ, जब मेरा रिवीजन चल रहा था मैंने ऐसे तीन वो बनाए थे कॉलम्स, स्पेशल जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का बनाया था जनरल मीटिंग का, और एक बोर्ड मीटिंग का रेजोल्यूशन का बनाया था। तो फिर उसमें क्या हुआ था, जैसे मान लो फर्स्ट जो भी रेजोल्यूशन है, जैसे लाइक अनलिमिटेड कंपनी लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, तो जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन है, तो मैं वहां पर टिक कर देती, तो वो एक मेरा पेपर ऐसा समरी बना लिया था मैंने, तो मैं उसको रोज पढ़ती थी। क्योंकि अगर आपने जैसे आपका ही क्वेश्चन आता है लायबिलिटी क्लॉज से रिलेटेड, आप अगर ये रेजोल्यूशन लिख के आएंगे तो बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा ये, ठीक है। तो इसमें जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन होता है और एक होता है सीएलटी। आप बोलेंगे सीएलटी क्या है, देखिए जो एनसीएलटी होती है ना, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसकी अप्रूवल लेनी होती है, ठीक है, नेशनल एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की अप्रूवल लेनी होती है, और जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। एनसीएलटी आपका डिटेल चैप्टर है फाइनल ईयर में, इसलिए मैं अभी आपको सिंपली इतना ही बताऊंगी कि ये जो एनसीएलटी होती है उसकी अप्रूवल लेनी होती है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये किसमें कन्वर्ट हो रही है, तो स्पेशल मीटिंग का जो जनरल मीटिंग का जो स्पेशल रेजोल्यूशन होता है ना, वो हमें 30 डेज के अंदर आरओसी को फाइल करना होता है, ठीक है, और जो सीएलटी की जो अप्रूवल होती है ना, वो हमें 3 मंथ के अंदर अंदर आरओसी को फाइल करनी होती है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अच्छा, अभी लिमिटेड कंपनी के केस में क्या होगा, इसमें या तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, या फिर दूसरा अनलिमिटेड कंपनी, इन दोनों ही केसेस में फ्रेंड्स आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जनरल मीटिंग का यूनानिमस रेजोल्यूशन पास होता है, ठीक है फ्रेंड्स। जनरल मीटिंग का यूनानिमस रेजोल्यूशन पास होता है। जनरल मीटिंग का जो यूनानिमस रेजोल्यूशन होता है ना, वो 3 जगह पे ही पास होता है, तो उसमें से एक जगह भी हमको यहां मिल चुकी है। अब 2 जगह जब आएगी तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी। तो यहां पे हमारे सारे क्लॉजेस मैंने आपको कंप्लीट करा दिए, ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक और रह गया है बीच में, मैं आपको वो टॉपिक भी इसमें कंप्लीट करा देती हूँ, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव और डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। आप मुझे सुनिए कि ये क्या चीज है। देखिए, हम पता है इसको इस तरह से भी बोलते थे, इसको इस तरह से भी हम याद कर सकते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस के काले घने बादलों में, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस है फ्रेंड्स इसके आगे, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस के काले घने बादलों में, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की कड़कती हुई बिजलियों में, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में सूरज की पहली किरण, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अभी मैं आपको समझाती हूँ ये है क्या। आपको पहले मैं केस का नाम लिखा देती हूँ, केस का क्या नाम था इसका, ट्राई करना है कि आपको केस के नाम याद हो जाए। एशबोरी रेलवे कैरिज
एंड कंपनी वर्सेस रिची, ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला केस है। अच्छा अब आप मुझे सुनिए ध्यान से कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में क्या हुआ था कि ये जो एशबरी रेलवे कैरिज कंपनी है ना, जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे बताती हूँ, जैसे सपोज ये ट्रेन है, ये मैंने यहाँ पे ट्रेन बनाई है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आप समझ जाइएगा, ठीक है। ये ट्रेन है हमारी, ठीक है। तो ये जो एश रेलवे कैरिज एंड कंपनी है ना, ये यहाँ पे एश रेलवे कैरिज एंड कंपनी, ठीक है। इस कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, इस कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट है वैगन्स जो होते हैं ना, वैगन्स को मैन्युफैक्चर करना, ठीक है, क्रिएट मैन्युफैक्चर मतलब वैगन्स बनाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, रिची ये कार बना रही हूं मैं, ठीक है। तो ये जो रिचे है ना, ये क्या करता है, ये एक मैकेनिक है जिसको की है ना वैगन बनाना है, ठीक है ना, वैगन इसमें यूज करेगा तो उसको वैगन बनाना है। तो इसके लिए वो क्या करता है, इसके पास ही जाता है और इसको बोलता है कि भाई तुम मुझे फाइनेंस करो, ठीक है, और ये इसको उसमें फाइनेंस कर देता है, ठीक है। अब क्या है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए कि इस केस में क्या हुआ था, सॉरी इसका जो है ना ये जो कंपनी है, सॉरी ये वाली जो कंपनी है ना, इसका एमओए एओए पब्लिक था, ठीक है। इसने क्या किया था कि रिचे ने ना इसका एमओए एओए पढ़ा कि उसे इस तरह का कोई फाइनेंस ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये वैगन कंपनी है, वैगन क्रिएट करती है और ये भी वैगन क्रिएट करने के लिए ही इसको पैसा चाहिए, ठीक है। तो कि उसमें ऐसा है कि आपको फाइनेंस नहीं लेना, बट फिर भी उसे फाइनेंस लिया, ठीक है, बट उसने पढ़ने के बाद भी, उसके एमओए में लिखा हुआ था, उसके बाद भी उसने फाइनेंस लिया, तो इस केस में क्या होगा, रिचे लायबल होगा, ठीक है, रिचे इस केस में लायबल होगा, क्योंकि कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, और थर्ड पार्टी को कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही चलना होगा। लेकिन इसको नॉलेज नहीं है, इनकेस इसको नहीं पता है, तो वह बियॉन्ड द डॉक्यूमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, उसे नहीं मालूम है, और यदि वो बियॉन्ड द मतलब कि यदि वो बियॉन्ड द डॉक्यूमेंट, ठीक है, यदि वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस केस में क्या होगा, वह कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। उसको नहीं पता था, यदि उसने मतलब ये नहीं देखे एमओए, उसको नहीं पता था, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, और यदि इसे पता था तो ही इज अ लायबल, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है, ये हमारा जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, यदि इसे नहीं पता था तो वो हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस कहलाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा इसका एक केस और है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्किन, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्किन, इसके अंदर क्या बोला गया था, देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर ये वाली बात बोली गई थी कि जैसे कंपनी के एओए में लिखा था कि भाई जो रॉयल ब्रिटिश बैंक है, यदि किसी को बॉन्ड इश्यू करना चाहती है तो उसे बोर्ड का रिजोल्यूशन लेना होगा, बट जो डायरेक्टर था रॉयल ब्रिटिश बैंक कंपनी का जो डायरेक्टर था, उसने क्या किया, उसने रिजोल्यूशन नहीं लिया और थर्ड पार्टी को बोल दिया, ठीक है, यानी कि इस टर्किन को बोल दिया कि, आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूं, इस बैंक को टर्किन को बॉन्ड इश्यू करने थे, ठीक है, इसको इसको बॉन्ड इश्यू करने थे, बट इसके इसमें एमओए में क्या लिखा गया था, तुम बॉन्ड इश्यू करो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हें रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा बोर्ड का। लेकिन इस कंपनी के जो डायरेक्टर थे ना, उसने क्या किया, रेजोल्यूशन नहीं लिया और टर्किन को झूठ झूठ बोल दिया कि हाँ भाई मैंने रेजोल्यूशन ले लिया, तो टर्किन का तो यही लगेगा ना कि हाँ भाई उसने रेजोल्यूशन ले लिया, उसके नोटिस में नहीं है, उसने इससे पूछा भी कि भाई तुमने रेजोल्यूशन ले लिया क्या, इसने बोला हाँ मैंने ले लिया, तो इसमें टर्किन की कहीं पर कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भाई इसने थर्ड पार्टी को बोला कि हाँ भाई मैंने रेजोल्यूशन ले लिया, तो इसमें टर्किन को और इसके जो है डायरेक्टर है, मतलब ये जो बैंक है इसके डायरेक्टर है, इन्होंने क्या किया, टर्किन को बॉन्ड्स जो है ना
वो इशू भी कर दिए, ठीक है। अब क्या हुआ बाद में ना, बैंक डायरेक्टर ने इशू कर दिए, ठीक है। बाद में बैंक को ऐसे कुछ नोटिस हुआ तो बैंक ने टर्गेंट को बोला कि भाई तुमने ये बॉन्ड कैसे ले लिए, ये तो हम मानेंगे ही नहीं वो बॉन्ड, क्योंकि हमने हमारे इसमें रूल्स में ये लिखा हुआ है, हमारे एमओए एओए में ये बात लिखी हुई है कि भाई अगर बॉन्ड इशू करने है तो हमारे रेजोल्यूशन लगेगा, बट रेजोल्यूशन नहीं है इसमें। तो टर्कट ने बोला मेरी भी कोई गलती नहीं है, मेरे को मुझे क्या पता, तुम्हारे डायरेक्टर ने मुझे किया, तो उस केस में ये जो बॉन्ड है ना ये बॉन्ड वैलिड माने जाएंगे। वैलिड इसलिए माने जाएंगे क्योंकि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है, इसमें इसकी बिल्कुल मिस्टेक नहीं है, तो ये लायबल नहीं होगा क्योंकि इसकी कहीं गलती, इसका कहीं पे फॉल्ट नहीं कि इसने प्रोसेस चेक नहीं किया, इसने तो इवन इससे पूछा भी। तो ये जो बात कहलाती है, ये कहलाती है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आ गई आपको, अगर आपको फिर भी वापस सुनना है आप मुझे रिवाइंड कर दीजिए मेरे वीडियो को, और देन आप वापस से सुन लीजिए ये दोनों केस। बहुत केस दोनों बहुत इजी हैं, बस आपको ये केस के नेम से याद होने चाहिए। अच्छा अभी मैं आपको एक नॉर्मल एक बात बताती हूँ, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस और डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के केस में, इन दोनों के केस में क्या कंपनी प्रोटेक्ट होती है, ठीक है। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के केस में जो कि अभी हमने जस्ट पढ़ा है, उस केस में क्या होता है, उस केस में थर्ड पार्टी यानी कि टर्कोइन प्रोटेक्ट हुआ था इसमें, तो जो थर्ड पार्टी होती है वो प्रोटेक्ट होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस ये टॉपिक मेरा बच गया था, इसलिए मैंने आपको ये वाला टॉपिक कंप्लीट कराया, और आज हमारे सारे एमओए के सारे क्लॉजेस भी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स।